दोस्तों चौधरी मुजाहिद यासिन फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट, +9232249222494 नंबर है। काइंडली सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करें, पॉसिबल हो तो, अगर नहीं है तो फिर रेगुलर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन रोमिंग पे होता है, व्हाट्सएप पे कॉल के बात होती है। जो भी रेट्स हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे ये अमूमन चेंज होते रहते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। अपने करंट रेट को जानना प्लॉट का तो मुझे कॉल करें, मैं आपको करंट रेट दे दूँगा मोस्ट एक्यूरेट जो है। और जो भी लीगल स्टेटस वगैरह है ये बहरिया ही आपको सही तरह बता सकती है। हमने जो गेस किया है वो सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग पे कर रहे हैं, जो मैप्स वहाँ पे सबमिट हुए हैं। तो कोई भी आपका बाइंग सेलिंग डिसीजन सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन पे नहीं होना चाहिए, आपको डबल ट्रिपल चेक करना चाहिए कोई भी चीज़ बाई या सेल करने से पहले। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, हट करने के लिए ही नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो मैं एडवांस में माजर चाहता हूँ। प्रिसन 26A जो है इस पर डिस्कस करते हैं। प्रिसन 20A में जो है, 26A जो है इसमें जनरली रेंज जो है वो 125 की जो है वो 22 से 30 लाख रुपए में चलता है। 30 लाख में ये जो प्लॉट फेसिंग चिनाह की तरफ आते हैं वो ज़्यादा कीमत रखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके इवन अगर आप इस एरिए में भी आते हैं ऊपर वाले हिस्से में भी, तो यहाँ पे भी तकरीबन 27-28 का रेट है फेसिंग जनाह का जो है। यहाँ पे जो है 28-30 का रेट है। आस्किंग लोग जो है वो इससे ज़्यादा भी करते हैं। ये ख़ासतौर पे ये पट्टियाँ जो है 26-28 हैं, अगर बिल्कुल बैक पे हैं तो 26 की हैं, और 28 जो है ये फ्रंट के जो है प्लॉट आ जाते हैं, 38 के जो है ना कॉर्नर ये जो मानते हैं। तो यहाँ पे नॉन कॉर्नर जो है 30 लोग मांगते हैं, 28 तक डील हो जाती है। ये जो एरिया है यहाँ पे रेट कम हो जाएगा, तकरीबन 27 का रेट है यहाँ पे, 27 का रेट है यहाँ पे, 26 का रेट है यहाँ पे, 24-27 का रेट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये एरिया जो है ये करंटली लीगल नहीं है मेरी नज़र में। बैरिया आपको बेहतर बता सकता है, मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन अपनी रिसर्च की बेस पे देता हूँ वो ये कहती है कि ये जो एरिया है ना वाइट एरिया, ये लीगल नहीं है, ठीक है। ये जो है ये पर्पल एरिया जो है ये आप देख रहे हैं ये लीगल नहीं है, ठीक है। इस मैप में ये ब्लू एरिया लीगल है और ग्रीन एरिया लीगल है, ठीक है, ये ब्लू और ग्रीन लीगल हैं। लेकिन ये वाइट पट्टी जो है इसमें आ रही हैं जो हैं ये सिंध गवर्नमेंट को वापस दिया गया है। ये पट्टी सारी जो है ये इसमें इसका ये 26A का कुछ हिस्सा आता है और पूरी जो है 26 जो है वो ये वाला हिस्सा जो है ना वो 26 का आ रहा है जो है ना। ये देखें ये लीगल नहीं आ रहा कुछ हिस्सा, और इसके साथ ये हिस्सा भी लीगल नज़र नहीं आ रहा, और ऊपर जो है 25A का ये हिस्सा लीगल नहीं है। हाँ, इसके जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये लीगल है अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। हाई टेंशन लाइन के दूसरी साइड के ऊपर जो है वो भी बिल्कुल जना के साथ की पट्टियाँ लीगल हैं, बाकी हिस्सा लीगल नहीं है। तो ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि अगर बाइंग तो करें तो यहाँ पर करें, इस एरिए को अवॉइड करें। 24-26 की यहाँ पे रेंज है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज लाइन जो है ये गुजरती है। हाई वोल्टेज लाइन जो है अमूमन कैंसर काजिंग होती है, कोशिश करें कि उसके नज़दीक प्लॉट ना लें। यहाँ पे आपको 23-24 की, यहाँ पे 22-23 की आस्किंग पे प्लॉट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं लेने आपने। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर भी प्लॉट ये अवॉइड करें, अगर कोई है तो बेच दें टाइमली बेसिस पे, और अगर नहीं है तो ख़रीदना है तो आप 26A में ये क्लियर लैंड में ख़रीदें। ये क्लियर लैंड जो है ये सारा एरिया ये क्लियर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद हो आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।